हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2। क्या बोला है इसने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी है मेरे पास, द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट एपी मुझे गिवन है, ठीक है, इट इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड द सेकेंड एपी इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसने क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल, उनकी nth टर्म क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, एन की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज की nth टर्म क्या हो, इक्वल हो, यानी अगर मैं इसका ए एन निकालूं और इसका ए एन निकालूं, दोनों मुझे मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस एपी की, तो दिस ए वन, अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म, आप ये लिख सकते हो ए वन, दोनों एक ही बात होती है, दिस इज 63 और इसका कॉमन डिफरेंस मतलब डी क्या है मेरा, डी होता है मुझे पता है ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है भाई, दिस इज 65 माइनस ए वन क्या है 63, तो दिस बिकम 2, क्या आ गया भाई 2, तो फर्स्ट टर्म इज ए, द कॉमन डिफरेंस डी इज 2, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इसकी बात करूं, योर फर्स्ट टर्म इज 65, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, दिस इज 3, 10 एंड 17, तो यहां पे ए क्या है भाई, देखो यहां पे भी ए आ रहा है, यहां पे भी क्या आ रहा है मेरा, ए आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट एपी में अगर ए लेते हैं, तो सेकंड एपी के लिए आप फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करोगे, टी से डिनोट करोगे, तो योर टी वन इज 3, ठीक है भाई। डी क्या होगा भाई, डी फिर से वही होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने D ले लिया हुआ है, तो यहां पे कुछ और ले लेते हैं, तो मैं इसको F से डिनोट कर लेता हूं, ठीक है। वैसे इसका कुछ गिवन नहीं होता है, कॉमन डिफरेंस D से ही चलता है मोस्टली, बट आप दो APs है, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो F इज क्या हो जाएगा, मुझे पता है फिर से T2 - T1 हो जाएगा यहां पे, तो T2 इज 10 - T1 इज 3, इट मींस दिस इज इक्वल टू 7। तो दो APs थी, दोनों का मेरे पास फर्स्ट टर्म है, दोनों का मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, मुझे क्या बताना है, मुझे n की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए क्या हो, इसकी nth टर्म मतलब a n जो हो, इसकी nth टर्म किसके इक्वल हो, इसकी nth टर्म मतलब t n के इक्वल हो, ठीक है। ये मुझे गिवन है कि इसकी nth टर्म a n जो है, इसकी nth टर्म के इक्वल हो, उसके लिए मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो भाई n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल वही फॉर्मूला जो हम करते हैं, दिस इज a प्लस n माइनस 1 इनटू t, यही होता है ना। अब इसका a है t, तो मैं लिख देता हूं t प्लस एन, तो दोनों का रहेगा सेम, और डी की जगह यहां पे है कॉमन डिफरेंस इज एफ, यही तो बोला इसने कि इन दोनों की nth टर्म क्या हो, इक्वल होनी चाहिए, बस वैल्यूज पुट कर दो भाई। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 63, मैंने रख दिया 63, प्लस एन मुझे निकालना है माइनस 1, डी इसका क्या है भाई 2, मैंने रख दिया एज इट इज, ऑल इज इक्वल टू टी। सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म है 3 प्लस एन, एन इज निकालना है माइनस का 1 इंटू एफ, एफ मतलब इसका कॉमन डिफरेंस, दिस इज 7, क्या है 7, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा भाई, 63 एज इट इज, 2 को अंदर ले जाओगे दिस बिकम 2n, 2 को 1 से करोगे माइनस का 2, होल इज इक्वल टू 3 एज इट इज, प्लस 7 को n से करोगे 7n, और 7 को माइनस 1 से करोगे माइनस का 7। तो मैं n वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेता हूं, विदाउट n वाले को एक तरफ कर लेता हूं, यहां सिर्फ मेरे पास n वाली है 2n, 7n इधर से आएगी तो माइनस का 7n, होल इज इक्वल टू, ये प्लस का 3 है माइनस का 7 है मेरे पास पहले से, 63 उधर जाएगा तो माइनस का 63, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2n माइनस का 7 क्या बचेगा, माइनस का 5n, होल इज इक्वल टू। अब देखो प्लस वाले टर्म है मेरे पास 3 और 2, क्या हो जाएगा, प्लस का तो हो गया 5, ठीक है, माइनस का 7 और माइनस का 63 दोनों का ऐड करोगे ये हो जाएगा माइनस का 70, माइनस का 70 प्लस का 5 क्या बचेगा, माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से जब मैं सॉल्व करूं क्या आ जाएगा 13, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 13, ठीक है। तो फॉर n इज इक्वल टू 13, जब n की वैल्यू क्या होगी 13 होगी, तो इसकी nth टर्म यानी इसकी 13th टर्म और इसकी 13th टर्म दोनों क्या होगी, हमेशा मुझे सेम मिलेगी, बस ये करना था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है,
क्या बोला इसने, इसने बोला था कि मुझे n निकालना था, कैसे निकालना था कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म क्या हो, इक्वल हो, तो मैंने इक्वल रख दिया भाई, जैसे इसने बोला था वैसे कर दिया, दोनों के फॉर्मूले खोल दिए, दोनों वैल्यू पुट कर दी, मैंने n की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है 13, यानी मैं बोल सकता हूं कि A13 जो है मेरी किसके इक्वल है T13 के, यानी पहली एपी की 13 टर्म और दूसरी एपी की 13 टर्म दोनों क्या होंगी मेरी इक्वल होंगी, ठीक है। तो आई थिंक आसान सा था क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2। अभी के लिए थैंक यू।